हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और देखिए अब क्या होने वाला है इस ब्लॉग के अंदर, मुझे भी कुछ पता नहीं है, ये एकदम मेरे लिए अलग है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरी मम्मी तोड़ रही हैं तुलसी के पत्ते, क्योंकि जो हमारी बगल वाली आंटी हैं उनको चाहिए तुलसी के पत्ते, तो हमारी मम्मी उनको तोड़ के देंगी। चलो देखते हैं कब तक तोड़ती हैं। जब तक हम बाहर घूम कर आते हैं एक बार। देखते हैं बाहर चल के। ये देखिए, ये है ट्रॉली में गोबर, और गोबर भाई बहुत ही अच्छा रहता है खेत के लिए, जिससे कि भाई हमारे पेड़ पौधे उगते हैं और भाई बिना पेस्टिसाइड के। चलो तो अंदर चलते हैं, मम्मी ने तोड़ भी लिए हैं तुलसी का पत्ते। चलो ठीक ही है, तोड़ लिए तो जल्दी। तो दोस्तों हम ऊपर आ चुके हैं अपनी छत पर, और देखिए बच्चे उड़ा रहे हैं पतंग। इतनी ऊंची भी नहीं उड़ी है बच्चों पे अभी पतंग, चलो उड़ जाएगी जब तक हम चल रहे हैं अपने टकले भाई के पास। ये हमारे टकले भाई हैं जो हमारे दो वीडियो के थंबनेल में आ चुके हैं। और टकले भाई कैसे हो आज? ठीक हूँ। अरे कैसे ठीक हूँ ये तो बताओ कैसे ठीक हैं आप, इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। तो ये टकले भाई साहब, अभी तो इनको भी कुछ नहीं पता कि मैं क्या इंट्रोडक्शन दूँ। देखिए दोस्तों, बंदर आ रहा है हमारे पास और ये भागने वाला है, ये बच्चों को डरा रहा है। हमने उठा लिए ईंट और ये भाग रहा है भाई, ये तो खा जाता है बंदर हमको, तो हमने इसको ईंट से भगा दिया। तो हमारा टकलू बच चुका है बंदर से। देखिए टकला और टकली की बहन आ चुकी है पानी पी के ऊपर छत पर। और ये क्या, ये पीछे क्यों गया है हमारे? अरे टकली आना सामने यार। तो ये टकला, ये कह रहा मुझे आज भी बिस्कुट चाहिए, मैं पोएम सुनाऊंगा, पर आज बिस्कुट है ही नहीं। और ये देखिए किताब भी लेकर आया है, और ये कह रहा था कि दीदी तू पीछे से किताब पकड़ लेना, मैं पोएम सुनाऊंगा। मतलब ये कर रहे हैं स्कैम हमारे साथ, पर ऐसा नहीं होएगा। देखिए इस बंदर की कलाकारी, ये हमारी छतरी को लाएगा देखना है, मुझे गारंटी से पता है इसने हमारी छतरी के तार तक तोड़ दिए। देखिए भाई बंदरों से बहुत ही परेशान है। देखिए डंडा पड़ेगा और ये भाग रहा है। देखते रहिए इस बंदर की कलाकारी को, क्या कर रहा है सोच में। ये भाग रहा है, देखिए ये बंदर कैसे बैठ चुका है कुर्सी पे। बैठो कुर्सी बना तार पे, कुर्सी पे बैठा जाता है। वाओ स्लाइडिंग। देखिए दोस्तों, टकला लाया अपने घर से किताब, हिंदी सुगंध पाठ्य पुस्तक क्लास फर्स्ट, तो ये इसकी किताब है। और देखते हैं कौन सी पोएम सुनाने वाला है आज। ये सुनाएगा इसी को, सौरभ की मौसी। अरे नहीं, पढ़ तो सकता है हिंदी, तो चल इसे पढ़ के सुना क्या लिख रहा है। सौरभ की मौसी आई वे तो देखिए टकला ऐसे ही बहाना बनाएगा, पर इसको आता कुछ भी नहीं है, तो ये टकला आज फेल हो चुका है। तो टकला सुनाएगा हमको एक और पोयम या कहानी, ये तो पता नहीं, पर चल वे सुना टकले। टकला भूल गया, ये टकले तू भूल गया है।
चलो तो भाई टकला बोल गया, ये कल लर्न करके सुनाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रुको 10 घंटे 200 घंटा बटन को दबाना मत भूलिएगा। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।